अब इसके बाद देखिए 27, 2a³ प्लस 16b³ माइनस 5a माइनस 10b, इस तरह का क्वेश्चन आया। ठीक, देखिए कैसे करेंगे, 2a³ प्लस 16b³। ओके, यहां से क्या कॉमन है, 2। ठीक है, क्या लिख सकता हूं, ए क्यूब प्लस यहां पर क्या बचा 8, और साथ में क्या, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5, माइनस का 5 कॉमन लिया, तो यहां a बचा, माइनस और माइनस प्लस 5 टू जा, तो यहां 2 आ जाएगा और b आ जाएगा, इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में एक फॉर्म बनाई जा सकती है। देखिए कैसे, 2 ऐसे ही, ठीक है, ये क्या बनेगा, ए क्यूब और ये 2b का होल क्यूब, माइनस में 5 और a प्लस 2 भी चलने दो, ऐसे ही। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, देखो, ए प्लस बी एंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, और पीछे माइनस में क्या चल रहा है, a प्लस 5 एंड a प्लस 2b, इस तरह चल रहा है। अब यहां पर बोर्ड पर दो टर्म लिखे हुए हैं, एक टर्म ये लिखा हुआ है, एक टर्म ये लिखा हुआ है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b। ठीक है, तो a प्लस 2b कॉमन ले लिया। देखो यहां से a प्लस 2b कॉमन गया, तो क्या बचा होगा, एक तो 2 बचा होगा, और ब्रैकेट में क्या बच गया होगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। ठीक, देखो a प्लस 2b बाहर चला गया, क्या बच गया, 2, और ये वाला ब्रैकेट बच गया होगा, है ना। अच्छा, यहां से a प्लस 2b बाहर चला गया, तो क्या बचा, माइनस का 5, ऐसा आ जाएगा। आगे a प्लस 2b ऐसे ही, ठीक है, यहां पर इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर माइनस का 5, इस तरह से यहीं पर छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, और फाइनल आंसर जो होते हैं आरएस में, वो मे बी अरेंज करके उन्होंने दे रखे हों, लेकिन हमने अपने आंसर को यहाँ पर छोड़ा है। ठीक है, 27, इसके बाद देखिए 28 नंबर, देखिए a पावर 6 प्लस b पावर 6, सबका ध्यान बोर्ड पर देखिए, a पावर 6 प्लस b पावर 6 का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 2 की पावर 3, और यहाँ पर b की पावर 2 की पावर, ऐसा। अब ये फॉर्म बन गई, कौन सी फॉर्म बन गई, a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बन गई। a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है क्या, a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, नहीं, यहाँ पर किसका साइन आना चाहिए, माइनस का। अच्छा, ए यहाँ पर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी कितना है, बी स्क्वायर, और फिर से ए की जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, और उसकी पावर भी क्या, स्क्वायर। ध्यान रखना, ए की जगह क्या है, ए स्क्वायर, तो देखो ए की जगह ए स्क्वायर लिखा गया, बी की जगह बी स्क्वायर। अब इस बार क्या आ रहा है, a का स्क्वायर लिखना है, मतलब a की जगह तो हमें अपना जो नंबर आया हमारा वो क्या है, a स्क्वायर, और उसका भी क्या चल रहा है, ठीक है, और प्लस फिर से a a स्क्वायर, b b स्क्वायर, फिर से b कितना, b स्क्वायर, और उसका भी क्या चल रहा है, स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करके लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे, ठीक है, ये a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस में क्या, बी की पावर 4, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमने क्या किया, स्क्वायर की पावर 3 बना ली, यहाँ पर स्क्वायर की पावर 3 बना ली, तो कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, कौन सा, नहीं कॉमन नहीं आएगा इसमें से, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, है ना। 29, a पावर कितनी है, 12, माइनस b पावर कितनी है, 12, ठीक है।
देखिए कैसे करना है इसको सॉल्व। ए की पावर 4 की पावर 3 लिख सकते हैं इसे, और इसको बी की पावर 4 की पावर, अब फिर से फॉर्मूला बन गया, कौन सा बना, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब कंपेयर कराओ, ए हमारे लिए कितना है, ए की पावर 4, बी कितना है, बी की पावर 4, है ना। तो जहाँ ए लिखा हुआ है यहाँ फॉर्मूले में, वहाँ पर ए की पावर 4, बी की जगह बी की पावर 4 लिख देंगे, तो देखो क्या आएगा, ए की पावर 4 माइनस बी की जगह बी की पावर 4, फिर से ए की जगह ए की पावर 4 और उसका क्या चल रहा है स्क्वायर, प्लस ए पावर 4 इंटू बी पावर 4, ए भी लिखा दिया। अब बी का स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू कितनी है, बी की पावर 4, और उसका क्या चल रहा है यहाँ पर स्क्वायर जी। अब इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को फर्दर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसको बी स्क्वायर का, ऐसे लिख सकते हैं ठीक, और इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कितना आएगा, ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 बी की पावर 4 और ये बी की पावर 8 ठीक है। अब ये तो इसमें तो कुछ नहीं करना हमें, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्म बन रही है, बन रही है कौन सी, ए स्क्वायर माइनस, तो इसको भी फाइनली सॉल्व करके लिख दो, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और जो पीछे ब्रैकेट में चल रहा है उसे चलने दो, एक पावर 8 इस तरह से ठीक। अब फिर से एक और फॉर्मूला आ रहा है, कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, समझ गए क्या करना है। देखो सबसे पहले तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, जब हमने ए की वैल्यू पुट की ए की पावर 4, बी की वैल्यू बी की पावर 4, जब ये हमने यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर हमने देखा कि ए की पावर 4 और माइनस बी की पावर 4 आ गया, उसको फिर से लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए प्लस बी एंड, लेकिन हमने फिर से देखा यहाँ पर फिर से फॉर्म आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको फिर से लिख दिया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इस तरह से एक्स पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8, ये है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हमने क्या किया, एक्स की पावर 6 को ऐसे लिख लिया एक्स की पावर 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं माइनस 7x क्यूब माइनस 8, ऐसा लिख लिया। अब जहाँ भी एक्स क्यू लिखा हुआ है एक्स क्यू, वहाँ पर मैंने अपनी तरफ से लिख लिया a, जहाँ भी एक्स क्यू लिखा होगा उसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, a के इक्वल। तो देखो यहाँ एक्स क्यू लिखा है, इसको हमने क्या लिख लिया a, इसका क्या स्क्वायर ठीक, माइनस 7, फिर से एक्स क्यूब आया, इसको क्या लिख लिया a, माइनस में क्या चल रहा है 8। अब ये आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, पॉलिनोमियल ये पढ़ा हुआ है, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है ना, इसको स्प्रेड द मिडिल टर्म करके सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 7a लेकर आना है, तो कैसे लाएंगे, माइनस का 8a एंड प्लस का a, माइनस में क्या स्प्रेड करते हैं मिडिल टर्म को, तो कैसे करते हैं, 1 लिखते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 8 में कराते हैं, तो आंसर क्या आया 8, है ना, 8 के फैक्टर करेंगे तो 8 और 1 हम लेकर यहाँ पर 7 ला सकते हैं, है ना। इनमें से क्या कॉमन है, a क्या आ जाएगा, a माइनस 8, और यहाँ पर क्या कॉमन है 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा ठीक है। अब ब्रैकेट कौन कौन से बनेंगे, a माइनस 8 का ब्रैकेट और a प्लस 1 का ब्रैकेट, ओके। अब जो a हमने माना था उसको फिर से लिख लो, a को हम क्या लिख सकते हैं
एक्स क्यूब माइनस, और यहाँ पर भी एक्स क्यूब प्लस में। फिर से सुनो, क्वेश्चन इस तरह से दे रखा था, यहाँ पर इसको लिख लिया x की पावर 3 का स्क्वायर, और साथ में ये सब कुछ चल ही रहा है। जहाँ जहाँ एक्स क्यू था मैंने उसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, a, ठीक। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 8। अब ये हमारे पास एक टर्म आ गया, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा, मेथड पढ़ा हुआ है, स्प्लिट करना मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, माइनस 7a को क्या लिख लिया, माइनस 8a प्लस a। फिर इसके बाद इसमें से कॉमन लेना, ये सारी प्रोसेस आपको आनी चाहिए पहले से, आप पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3C में, ये बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं हमने, है ना। तो a को फिर से वापस से क्या लिख दो, एक्स क्यूब, और यहाँ पर भी फाइनल आंसर में a की जगह एक्स क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ फॉर्म बन गई, कौन सी, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसे, तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर देखो, इसको लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो ये दो फॉर्म बन गई। यहां पर फॉर्मूला लगा दो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यहां फॉर्मूला बन लिख दिया। अब इसमें फॉर्मूला, ये फॉर्म बन रही है कौन सी, ए क्यू प्लस, तो यहाँ पर फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला लगेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस, ये फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा होगा, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 4, और कौन सा ब्रैकेट आ रहा होगा, एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, इस तरह से, ठीक। तो बस इसमें इतना और ट्रिक रखना है आपको कि एक्स क्यू को ए लिखकर इसको सॉल्व कर लेना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म कराकर, दो ब्रैकेट आएंगे, जब दो ब्रैकेट आ जाएं तो उसमें ए की वैल्यू फिर से एक्स क्यू रख देनी है, एक्स क्यू जब आप रखोगे तो वहां पर फॉर्म बन जाएंगे, उन फॉर्म में आइडेंटिटी लगाकर फाइनल आंसर लिखा दिया है, ठीक है। देखो 31 क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ऐसे दिया है, यहाँ पर 8 बनाने के लिए हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, प्लस 1 एंड माइनस 1 ऐसा करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब लिखा हुआ है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, और ये जो माइनस 1 है ये इसके साथ लिख लिया मैंने, और 7 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 8। देखो ये लिखा है, ये लिख लिया यहाँ पर माइनस 1 आगे लिख लिया, 7 और 1 मिलकर क्या लिख दिया, 8, ठीक। अब इतना जो फॉर्मूला है ये एक आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है ये, देखो ये बनेगा x का क्यूब, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये फॉर्मूला कौन सा है, माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, वो वाली फॉर्म बन रही है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। ये कौन सी फॉर्म है बताओ, x माइनस 1 का होल क्यूब, कैसे, देखो a x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक, माइनस 3 a स्क्वायर इंटू बी, है ना, प्लस 3 a इंटू बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आया होगा, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, x माइनस 1 का होल क्यूब, और प्लस में क्या चल रहा है, 2 का होल क्यूब, ठीक। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है, a प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, यहाँ पर माइनस आएगा माइनस, और यहाँ पर बी स्क्वायर। फिर से सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा आया, यहाँ तक हमने यहाँ पर 8 बनाने के लिए अपनी तरफ से क्या किया, प्लस 1 एंड माइनस, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x ये लिखा हुआ है, ये वाला जो माइनस 1 था वो इसके साथ लिख लिया, और 7 और 1 मिलकर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है।
ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म बन रही है, देखो यहाँ पर किसका क्यूब लिख सकते हैं, वन को वन का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। अच्छा अब हमने देखा ये जो फॉर्मूला बना वो कर किसका बना, x माइनस वन का होल क्यूब, क्योंकि अगर हम x माइनस वन का होल क्यूब अगर सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा, x का क्यूब आ रहा होगा, माइनस वन का क्यूब आ रहा होगा, माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक, प्लस थ्री इंटू बी ए इंटू बी स्क्वायर वन का स्क्वायर। तो ये वाला अगर हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करें तो ये इतना टर्म आ जाएगा, तो यानी कि इसको ये लिख सकते हैं प्लस टू का क्यूब, फिर फॉर्मूला लगा दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा होगा, एक्स माइनस वन और प्लस टू मिलकर कितना, प्लस वन, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस नहीं माइनस का टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू और प्लस फोर, इसको फाइनली सॉल्व करके लिख दो जो भी आंसर आएगा, x प्लस वन ऐसे ही ठीक है, x स्क्वायर भी ऐसे ही ठीक है, माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स मिलकर कितना, माइनस फोर एक्स, टू प्लस फोर सिक्स और वन, इस तरह से आएगा, ठीक है, ये आंसर बन जाएगा आपका। ये समझ में आया कैसे किया है इसको, ये था क्वेश्चन नंबर 31। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, x प्लस वन का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है, यहाँ पर इसको कंपेयर कराओ किससे, a का क्यूब प्लस, तो देखो a की जगह हमारे पास क्या है, x प्लस वन, और b की जगह हमारे पास क्या है, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या बनेगी, a क्यूब ए प्लस बी ब्रैकेट में क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए हमें पता है, बी हमें पता है, ए और बी की बस वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है, पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू एक्स प्लस वन, बी की वैल्यू एक्स माइनस वन, ठीक है, फिर से ए की वैल्यू एक्स प्लस वन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, और बी की वैल्यू फिर से कितनी, x माइनस वन और इसका स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ये a और b की वैल्यू पुट कर दी हमने ये, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो, प्लस का वन और माइनस का वन कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2x, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पर ये कितना आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ रहा होगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, और यहाँ पर ओपन कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, देखो क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो ओपन कर दिया और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, 2x से 2x कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, देखो 2x, एक्स स्क्वायर ऐसे ठीक है, ये वन और वन मिलकर टू और वन थ्री, इतना आपका आंसर बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 32। क्या किया, सिंपल फॉर्म दिख रही थी वहां पर, ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी में बस ए और बी की वैल्यू पुट करके थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वो भी एक सिमिलर क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 33, 2a प्लस वन का होल क्यूब प्लस a माइनस वन का होल क्यूब, क्लियर है क्वेश्चन में क्या करना है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, क्या हुआ करता है, x प्लस y, और क्या आता है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर,
या ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स की जगह हमारे पास क्या है, 2a प्लस वन, और वाई की जगह क्या है ना, एक्स और वाई की वैल्यू बस यहाँ पुट करनी है और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स हमारे पास 2a प्लस वन, वाई ए माइनस वन, फिर से एक्स स्क्वायर की जगह क्या, 2a प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स मीन्स 2a प्लस वन, वाई मीन्स ए माइनस वन, प्लस वाई स्क्वायर मीन्स ए माइनस वन का स्क्वायर। ये हमने एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी, अब बस इसको सॉल्व करके लिखना है और आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। देखो ए से वन से वन कैंसिल, 2a और a मिलकर कितना 3a। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना 8a, ठीक है 4a, सॉरी कितना आना चाहिए 4a, और माइनस इनका मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 2a स्क्वायर और माइनस का a, ये माइनस की वजह से दोनों साइन किसके आए, माइनस के, और अब माइनस वन का कराओ तो माइनस वन का कराओ तो कितना आएगा, प्लस का 2a आएगा, और माइनस माइनस फिर से प्लस बन रहा होगा तो कितना आएगा, प्लस का 1, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से सुनो मैंने क्या किया, यहाँ 1 से 1 कैंसिल कर दिया, क्या बचा 2a प्लस a मिलकर 3a, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया और माइनस का साइन भी ओपन करता गया साथ साथ, ठीक, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब इसके बाद इसमें से जो जो कैंसिल आउट हो सकता है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे 2a से 2a कैंसिल है ना, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3a ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना 3a स्क्वायर, 4a माइनस a कितना प्लस का 3a, 1 एंड 1 एंड 1 कितना, इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3, 3 कॉमन आकर 3 3 जा यहाँ पर कितना आ जाएगा 9a, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा होगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा, और वो जो 3 कॉमन आया था उसने इस 3 को क्या बना दिया 9 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरह से करें।